जेएनयू की आन बान और शान श्री समीर शिखर जी को लेकर पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा श्री समीर शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के विरोध को लेकर पूरा जैन समाज एकजुट है। इसी कड़ी में सरकार के इस निर्णय के विरोध में दिल्ली के लाल किला मैदान पर मुनि श्री विहर्ष सागर जी मुनिराज के सानिध्य में जैन समाज हुंकार भरने जा रहा है। सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। तीर्थ बचाओ, धर्म बचाओ। देश के हर गांव, हर शहर में जैन समाज अहिंसा पूर्वक जन आंदोलन कर रहा है। कहीं मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं तो कहीं बाजार बंद कर सरकार के इस निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 दिसंबर को लाल किला के मैदान पर मुनिश्री बिहर सागर जी महाराज के सानिध्य में तीर्थ संरक्षण के लिए एक विशाल जिनेन्द्र महाअर्चना का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल जिनेन्द्र महाअर्चना का शुभारंभ भगवान के अभिषेक के साथ किया जाएगा। दिसंबर की ठंड में प्रातः 6:30 बजे से भगवान का अभिषेक करने के लिए पूरे दिल्ली जैन समाज के युवा मंडल भाग लेंगे। इसके उपरांत ठीक 8 बजे श्री समीर शिखर जी बचाने हेतु जिनेन्द्र महाअर्चना की जाएगी और 10 बजे से आगरा के दीक्षार्थी सुरेश चंद जैन को मुनि दीक्षा प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत ठीक 11 बजे से शिखर जी बचाओ अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से जैन समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। यह पहला मौका है कि समीर शिखर को बचाने के लिए इतने बड़े रूप में अभियान किया जा रहा है। मुनि बिहर सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन समाज तन मन धन से इस अभियान में जुट गया है। वहीं इस अभियान के बारे में हमारे संवाददाता को मुनिश्री ने बताया कि लाल किले से होने वाले इस अभियान के समापन के उपरांत ही संघ के सभी मुनि और त्यागी प्रति आहार ग्रहण करेंगे। ऐसे में समग्र जैन समाज का दायित्व बनता है कि समय से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं और समय से मुनिश्री की आहारचर्या हो सके। आपको बताते चलें कि समीर शिखर बचाओ अभियान का सीधा प्रसारण जैन फोकस चैनल पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।